जरा जल्दी आओ, इन लड़कियों का भी कुछ समझ में ही नहीं आता है। अरे राजा जी, आप जा तो रहे पर आपका हेलमेट कहाँ है? जी मैंने इन बालों का बहुत खर्चा किया है, अगर ये गिरेंगे नहीं तो इनका फायदा क्या है? इंटरेस्टिंग मतलब कह सकते हैं कि भाई एक छोटे से छोटे बच्चे ने भी अगर ये सुना होगा उसे समझ में आ गया होगा कि आप मैसेज क्या देना चाहते हैं। एक कहानी के तौर पर, एक छोटे छोटे छोटी छोटी स्टोरीज के माध्यम से जो है अभी से इतनी जागरूकता के उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी उन्हें है, और क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी है और भविष्य में इन्हीं को आगे चल के जो है देश का भविष्य बनाना है, तो ये अपना परिवहन विभाग उत्तराखंड द्वारा उत्तराखंड सरकार की तरफ से एक सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया है जो कि 18 जनवरी से 17 फरवरी 2021 तक का है। आज उसी के चलते प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन, परिवहन विभाग उत्तराखंड के सभी के सामंजस्य से नौजिया पब्लिक स्कूल परिवार द्वारा एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया है जिसमें आम जनमानस को इस वास्ते जागरूक करना है कि आखिर हमें सड़क पर चलते वक्त किन नियमों का पालन करना है। सुरक्षा को लेकर यातायात सप्ताह यहाँ पर मनाया जा रहा है, यातायात सुरक्षा सप्ताह, तो उसको लेकर यहाँ पर नौजगे स्कूल की ओर से एक पहल की गई है। उसको लेकर यहाँ पर नुक्कड़ नाटक आयोजित किया गया है कोतवाली के बगल में, आप जैसा देख रहे हैं। तो उसमें उन्होंने कई छोटे छोटे नाटकों के माध्यम से, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से सड़क सुरक्षा को लेकर, यातायात सुरक्षा को लेकर, किस प्रकार से ट्रैफिक रूल्स होते हैं, किस प्रकार से उनका पालन करना चाहिए हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए, किस प्रकार से वो ज़रूरी हैं और उनका पालन न करने की स्थिति में किस प्रकार से जीवन को क्षति पहुँच सकती है, इसको बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने दिखाया है। तो एक बड़ा सराहनीय पहल इनकी है और इनसे आगे भी अनुरोध किया गया है कि जन जागरूकता फैलाने के लिए आप लोग इस प्रकार से नुक्कड़ नाटक आगे भी अलग अलग जगह में खटीमा के करेंगे, जिससे कि जनता को जागरूक किया जा सके कि वे ट्रैफिक रूल्स का पालन करें और अपनी और जो साथ में चलने वाली रोड पर और जो पैदल और जो ट्रैफिक के और भी जो जो भी सवारी हमारी चलती हैं उनका सभी के जीवन की रक्षा कर सकें।